नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो मेरे से कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि अभी मनाली हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, मनाली आकर फ़ायदा है या नहीं है। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मनाली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं दोस्तों, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि मनाली में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी और आगे सोलंग वैली में भी शायद ही बर्फ़ आपको मिलेगी। अगर आप आगे अटल टनल की तरफ रुक करते हैं तो आपको बर्फ़ मिलेगी। और अगर आप वैसे ही मनाली विज़िट करना चाहते हैं, मनाली में घूमना फिरना चाहते हैं, तो आप मनाली आ सकते हैं। और बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप अगर मनाली आ रहे हैं और बर्फ़ देखने के पर्पज़ से मनाली आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप मनाली वैसे ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं मांगी जा रही है यहाँ पर। और मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आप अटल टनल के लोगों की तरफ आप जाने के लिए भी उसके बारे में भी सोचें और प्लान करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।